Hi friends, how are you to all? This is Shikhar Rizwan here in front of you. आज हम लोग फिर से नया एक लेक्चर लेने वाले हैं. I hope कि आप लोगों ने जो लास्ट लेक्चर्स हम लोगों ने कंप्लीट किए, whatever we have done, जो भी लेक्चर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं उसके प्रैक्टिसेस तो आप कंटिन्यू कर ही रहे होंगे. और मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ बी प्रैक्टिस ऑलवेज. इसकी प्रैक्टिस अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा. या डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, मगर इंग्लिश बोलने में आपको मज़ा आने वाला है. ओके, सो दैट्स कीप इन योर माइंड. एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो यू हैव टू स्पीक मोर. आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलना पड़ेगा, बिकॉज इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट नहीं है, ये एक लैंग्वेज है. और लैंग्वेज को सीखने में समय लगता है और साथ में आपको उसकी प्रैक्टिस करना होगी, क्योंकि लैंग्वेज को जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतना ज़्यादा आप फ्लुएंट हो पाएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर. हम लोगों ने अभी तक टोटल जो सीरीज करी है वो सीरीज में हम लोगों ने एसएमआर गना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम बना चुके हैं. हम नेक्स्ट सर्कमस्टेंसेस को हम यहाँ पर ले रहे हैं, जो है ऐसा कोई भी काम जो हम करने वाले थे या होने वाला था. मैं आपको बता चुका हूं, ऐसा कोई भी काम जो होने वाला था, जो कि 50% श्योरिटी के साथ में हो रहा है. होने वाला था, बारिश होने वाली थी मगर हुई नहीं है. वहां आने वाला था मगर आया नहीं है. पंखा खराब होने वाला था मगर खराब नहीं हुआ है. इसी तरीके से was were going to plus verb की first form with the same thing. यहां पर भी हम going to की बात कर रहे हैं, तो going to में आपको इस्तेमाल करना है gonna. going to को contractive form में आप क्या बोलेंगे? gonna. exactly. काम होने वाला था या काम करने वाले थे. anything we were gonna perform in the past. कोई भी काम जो हम करने वाले थे. बारिश होने वाली थी, इट वॉज गना रेन. वह आने वाला था, ही वॉज गना कम. मैं आपसे कुछ पूछने वाला था, आई वॉज गना आस्क यू समथिंग. तुम मुझे कुछ बताने वाले थे, यू वर गना टेल मी समथिंग. ऐसे एक सर्क सेंटेंसेस का इस्तेमाल हम जनरल कॉन्वर्सेशन में करते हैं. आज हम उन्हीं कॉन्वर्सेशन को यहां देखेंगे कि हाउ टू मेक दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस. ओके, लेट्स स्टार्ट. आप लोग तैयार हैं? बढ़ते हैं आगे. आज के लेक्चर में हम लोग सबसे सब्जेक्ट ले रहे हैं कि हाउ टू फ्रेम द स्टेटमेंट, सेंटेंस को बनाए कैसे. आई, ही, शी, इट सिंगुलर के साथ में लगता है, वॉज, यू, वी, दे प्लूरल सभी के साथ लगता है, वर, और इन सभी के साथ आ जाएगा गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. याद रखिएगा, आई, ही, शी, इट सिंगुलर सभी के साथ वॉज, यू, वी, दे प्लूरल सभी के साथ वर, और इन सभी के साथ गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. यहां पर भी उसका ध्यान रखना है, जब हम नेगेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे तो नेगेटिव स्टेटमेंट में हम वॉज वर के साथ में नॉट लगा देंगे. और नॉट को हम कैसे बोल सकते हैं, वॉज नॉट, वॉजंट, एंड वर नॉट, वरंट, एंड गोइंग टू गोना. इस चीज का खासतौर पर आपको ध्यान रखना है, जब हम इसका नेगेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे तो वी हैव टू यूज कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म ऑफ वॉज एंड वर नॉट. ओके, लेट्स अगेन समझते हैं. वॉज नॉट, वॉजंट, were not, weren't. आप मेरे साथ रिपीट करेंगे. Yes, now again. Was not, wasn't, were not, weren't, and going to, gonna. Going to, gonna. इस चीज का खास तौर पर आपको ध्यान रखना है. Next, एक sentence ले लेते हैं example के तौर पर. एक उदाहरण के लिए एक sentence है आपके सामने. Sentence है, वह जीतने वाला था. कौन जीतने वाला था? लड़का है. वह जीतने वाला था. तो sentence क्या हो जाएगा? सेंटेंसेस बनेंगे. हम इसी को फिर से सिचुएशंस में चैलेंज करते जा रहे हैं, अलग अलग सिचुएशंस में हम इसे चेंज करेंगे. सबसे पहला सेंटेंस, ही वॉज गना विन. वह जीतने वाला था, ही वॉज गना विन. नेगेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए वॉज के साथ में नॉट आ जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा, ही वॉजंट गना विन. जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन में हो जाएगा क्या, यानी क्या वह जीतने वाला था, तो सेंटेंस हो जाएगा वॉज ही गना विन. क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, यानी क्या और नहीं का कॉम्बिनेशन हम यहां पर ले रहे हैं, कि क्या और नहीं, यानी क्या वह नहीं जीतने वाला था, सेंटेंस क्या हो जाएगा, वॉज ही नॉट गना विन. और इसी के साथ में वाई प्लस क्वेश्चन, यानी क्यों, क्यों का सीरीज अगर यहां पर आ रहा है, यहां पर बनेगा वाई वॉज ही गना विन. और इसी के साथ में हाउ प्लस क्वेश्चन, यानी हाउ वॉज ही गना विन, क्योंकि वॉज सभी के साथ में आ जाएगा. वाई और हाउ में सिर्फ सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, हमको वाई के साथ में एज ए क्वेश्चन लगा देना है और हाउ के साथ में एज ए क्वेश्चन लगा देना है. आपको इस चीज का ध्यान रखना है, अगर आपने पहला सेंटेंस बना लिया
उस सेंटेंस के हिसाब से आप बाकी सारे सेंटेंसेस को इजीली फ्रेम कर सकते हैं. इट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस. गॉट इट माई पॉइंट? तो इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को आपको प्रॉपर तरीके से फेस करना है. ही वॉज गोना विन, ही वॉजंट गोना विन, वॉज ही गोना विन, वॉज ही नॉट गोना विन, वाई वॉज ही गोना विन, हाउ वॉज ही गोना विन. नाउ अब आप मेरे साथ ड्रिलिंग करेंगे. स्टार्ट करते हैं. यस, ही वॉज गोना विन. 1, 2, 3 स्टार्ट. He was gonna win. He wasn't gonna win. Was he gonna win? Was he not gonna win? Why was he gonna win? How was he gonna win? Okay, got it? Okay, next. चलिए कुछ examples ले लेते हैं. Translation exercise हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं. फिर से आपके सामने फिर से again 10 sentences है. इसका practices हम इसी series के अंदर करेंगे. Sentence से पहला, मैं भरोसा करने वाला था. कौन भरोसा करने वाला था? मैं करने वाला था. तो मैं के लिए क्या लगता है? आई. तो हम आई के साथ क्या लगाते हैं? वॉज. तो यहां पर सेंटेंस है, मैं भरोसा करने वाला था. योर टर्न. आई वॉज गोना ट्रस्ट. नेक्स्ट है, वे पेड़ पर चढ़ने वाले थे. कौन चढ़ने वाले थे? वे चढ़ने वाले थे. वे के लिए क्या लगता है? दे. वे पेड़ पर चढ़ने वाले थे. योर टर्न. दे वर गोना Climb up on the tree. Next, हम खुशी मनाने वाले थे. कौन मनाने वाले थे? हम मनाने वाले थे. कौन? हम खुशी मनाने वाले थे. हम के लिए लगेगा we. Sentence क्या हो जाएगा? Your turn. We were gonna cheer. Next, वह अपनी गलती मानने वाला था. Sentence क्या है? वह अपनी गलती मानने वाला था. He was gonna confess his mistake. अब यहां पर his और her का concept समझिएगा थोड़ा सा. जब हम किसी लड़की की बात कर रहे हैं तो वहां पर last में as a object में her का use किया जाएगा, और जब हम किसी लड़की की बात कर रहे हैं, कौन? यहां पर वो लड़का अपनी गलती मान रहा है, तो यहां पर उसका use as a his mistake के रूप में यहां पर लिखा जाएगा. कैसे बोलेंगे? वह अपनी गलती मानने वाला था. He was gonna confess his mistake. नेक्स्ट है, हम दुखी होने वाले थे. वी वर गोना बी सैड. पेड़ सूखने वाला था. ट्री वॉज गोना विदर. हम बात करने वाले थे. वी वर गोना टॉक. नदियां सूखने वाली थी. रिवर्स वर gonna dry out. यहां पर हमने रिवर्स वर्ब क्यों लगाया? क्योंकि बहुत सारी नदियों की बात हो रही है. नदियां सूखने वाली थी, इसलिए हमने यहां पर वर्ब लगाया. अगर हम यहां सिंगल नदी की बात करते तो यहां पर हम क्या लगाते? वॉस लगाते. नेक्स्ट है, वह हंसाने वाला था. अच्छा, हंसने के लिए लाफ का यूज किया जाता है, मगर जब भी हम किसी को हंसाते हैं तो उसके लिए मेक लाफ का यूज किया जाता है. इस चीज का खास तौर पर आपको ध्यान रखना है. वह हंसाने वाला था. He was gonna make laugh. वह धोखा देने वाले थे. अब यहां पर वह है, मैंने सिंगल की बात हो रही है. वह धोखा देने वाले थे. He was gonna cheat. यहां पर जैसा कि आपने सेंटेंसेस को प्रैक्टिस किया, डेफिनेटली यू विल गेट अ वेरी गुड इंप्रूवमेंट. आपको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट इसमें देखने को मिलेगा. आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करिएगा. जो भी प्रैक्टिसेस आप यहाँ कर रहे हैं, उस प्रैक्टिसेस को आप घर पर अपने वीडियो क्लिप्स को रिपीट करते हुए कंटिन्यू करते रहिएगा. अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो डेफिनेटली आप इस वीडियोस को रिवर्ट करके देख सकते हैं. थैंक यू सो मच.